बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। दोस्तों, कभी भी घर में पूजा हो तो उस पूजा में केला जरूर शामिल किया जाता है। केला यानी कि बनाना एक ऐसा फल जो एक औषधीय फल है। इसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ी औषधि है। क्या आपको पता है कि केला एक ऐसा फल है जिसके अंदर कभी भी कीड़ा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मार्केट से कभी भी ग्वावा यानी कि अमरूद लाते हैं तो उसमें आपको कीड़े मिलते हैं। कभी कभार हम कोई और फल भी लाते हैं तो उसमें भी कीड़े पड़े होते हैं या फल को रखने के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, केला एक ऐसा फल है जिसके अंदर कभी आपको कीड़ा नहीं मिलेगा। केले को कितने समय तक रख दीजिए, वो केला पड़ा हुआ गल जाएगा लेकिन उसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। क्या आपको पता है मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, केला एक ऐसा फल है जो एंटीबैक्टीरियल है। इसके अंदर कभी कोई बैक्टीरियाज वायरसेस नहीं आते, इसके अंदर बुरे बैक्टीरियाज पैदा ही नहीं होते। आपने देखा होगा कि जब भी कभी पूजा होती है तो घर के दरवाजे पर केले के बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं। ऐसा आपको पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों, केले का जो पेड़ है, जो उसके पत्ते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल हैं। जब घर के दरवाजे पर हम दोनों तरफ केले के पेड़ लगाते हैं तो इससे घर के अंदर बुरे बैक्टीरियाज और वायरसेस एंटर नहीं करते, जिससे कि हमारे घर का एनवायरमेंट अच्छा रहता है। आपने देखा होगा, पुराने जमाने में ऋषि मुनियों को केले के पत्तों पर खाना खिलाया जाता था, क्योंकि दोस्तों केले के पत्ते एंटीबैक्टीरियल होते हैं और खाना खाने के लिए केले के पत्ते से शुद्ध कोई और जगह हो ही नहीं सकती। केले के पत्ते में अगर आप खाना खा सकते हैं तो जरूर खाएं, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका खाना है वो बुरे बैक्टीरियाज की चपेट में नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से केले से जुड़ी हुई ढेरों ऐसी चीजें हैं जो आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आज जानेंगे कि केला किस तरह का खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को फायदा मिल सके। आज के समय में दोस्तों, हर व्यक्ति बीमारियों से परेशान है। कोई कहता है मुझे डायबिटीज है, किसी का वजन बढ़ा हुआ है, किसी के बाल झड़ रहे हैं दोस्तों, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है। अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर आपके घर में किसी को मधुमेह है यानी डायबिटीज है, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है, तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा केला हमें खाना चाहिए और किस तरह से वो केला हमें फायदा कर सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप जान नहीं पाएंगे कि केले के जरिए कैसे बीमारियां ठीक होती हैं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे तो इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर केले की बात करें तो हमें कच्चा केला खाना चाहिए। वैसे तो हम पका केला खाते हैं, पके हुए केले से भी दोस्तों ज्यादा फायदेमंद है कच्चा केला, क्योंकि कच्चे केले में ढेर सारा पोटेशियम होता है और यह पोटेशियम हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जो लोग ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स जैसे कि हाई बीपी या फिर लो बीपी से परेशान हैं, उनको जरूर कच्चे केले का सेवन करना चाहिए। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी आपको कच्चे केले का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसके पीछे का कारण आपकी बॉडी में आयरन और पोटेशियम की कमी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जब आप कच्चा केला खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी के अंदर आयरन और पोटेशियम की पूर्ति होती है, जिससे कि आपकी बॉडी में नया खून भी बनता है और आपका ब्लड अच्छे से आपके बालों की जड़ों में सर्कुलेट हो पाता है, जिससे कि आपके बालों का झड़ना बहुत जल्दी रुक जाता है। अगर आप दोस्तों एक महीने भी कच्चा केला हर रोज खाना शुरू कर दें तो इससे आपके बालों का झड़ना एक ही महीने के अंदर बंद हो जाएगा। दोस्तों, जब भी हमारे बाल झड़ते हैं तो हम कई तरह के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि विटामिन ई, बायोटिन और कई तरह के शैंपू सीरम्स लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें कभी कोई फायदा नहीं मिलता। आपको पता है दोस्तों हमें फायदा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे बालों की दोस्तों उसी तरह से जड़ें होती हैं जिस तरह से पौधे की जड़ें होती हैं। पौधे की जड़ में खाद डालना बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमारे बालों की जड़ों में खाद डालना जरूरी है। और जब आप ऐसी चीज खाएंगे जिसके अंदर आयरन और पोटेशियम होगा, तब आपके बालों की जड़ों में न्यूट्रिशन जाएगा और आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आपको जरूर कच्चा केला खाना चाहिए। अक्सर ही कभी कभार हमें कुछ याद नहीं रहता, कभी कभार हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, हमें आलसपन आता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसे में आपके लिए कच्चा केला बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि कच्चा केला खाने से हमारी बॉडी में एक्टिवनेस आती है, दिमाग शार्प होता है और आपको हर चीज अच्छे से याद रह पाती है, यानी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मधुमेह से परेशान है, यानी कि किसी को अगर डायबिटीज है, तो 3 महीने कच्चा केला खाने से डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आज के समय में ढेरों लोग डायबिटीज से परेशान हैं। डायबिटीज भारत में दूसरी सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। और ये डायबिटीज होती क्यों है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गलत खान-पान और लाइफस्टाइल की वजह से। ये नहीं कि आपने मीठा खाया तब आपको डायबिटीज हुई, आपने गलत खाया तब आपको डायबिटीज हुई। ज्यादातर लोग जिनकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है उनको डायबिटीज होती है, क्योंकि पित्त बढ़ने से हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिससे कि हमारी बॉडी थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियों से
गिर जाती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज यानी कि मधुमेह कंट्रोल में आ जाए तो सबसे पहले आप अपने पित्त को बैलेंस करें, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज है जाहिर है उनकी बॉडी में एसिड ज्यादा बनता होगा। आप खुद महसूस करके देखिएगा, अगर आपको डायबिटीज है तो जाहिर है कि आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा एसिड बनता होगा। इसके अलावा आप खान पान भी ज्यादा करते होंगे, चाहे मीठा खाएं या कुछ भी, लेकिन आप खाते ज्यादा होंगे। हमें कम खाना चाहिए, जिस तरह से दोस्तों पुराने जमाने में कहा जाता था कि हमें एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत रखने का कारण ये नहीं कि हम भगवान के नाम पर भूखे रहें, व्रत रखने का कारण ये है कि एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन भूखा रहना ही चाहिए ताकि हमारे पेट को रेस्ट मिले। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी बॉडी बीमारियों से गिर जाती है। इसीलिए दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग परेशान हैं क्योंकि लोग व्रत रखने को सिर्फ अंधविश्वास मानने लग गए हैं। भगवान के नाम पर आप व्रत रख के देखिए, यानी कि फास्टिंग करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। फास्टिंग एक ऐसी दवा है जो बिना कुछ किए ही इतना कुछ कर जाती है कि आपके कैंसर को भी खत्म कर सकती है। अगर किसी के दिल में ब्लॉकेज है तो आप उसे व्रत रखने को कहिए। व्रत रखने से आपकी हर्ट की ब्लॉकेज ठीक होगी। अब ये कैसे ठीक होगी, चलिए मैं आपको वो बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। मान लीजिए आज आपने व्रत रखा और आपने कुछ नहीं खाया। अब अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को काम करना है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके शरीर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हैं वो उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने लगेगी। फिर चाहे वो आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज हो, या फिर आपके किडनी के स्टोन्स हो, या चाहे वो कैंसर के सेल्स हो, कैंसर के सेल्स के जरिए भी दोस्तों बॉडी एनर्जी बनाती है। इसलिए दोस्तों फास्टिंग जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है, बॉडी उसे या तो शरीर से बाहर निकाल सके या उसे एनर्जी के रूप में कंज्यूम कर सके। और दोस्तों अगर आप फास्टिंग के दिन कच्चा केला खाते हैं तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कच्चा केला अगर आप खाते हैं तो वो आपकी आंतों को साफ करता है, हमारे पेट को साफ करता है और हमारे वजन को कम करने में भी मदद करता है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कच्चा केला जरूर खाना चाहिए। लगातार एक महीने कच्चा केला खाने से आपका 5 से 10 किलो वजन बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के कम हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम है तो आपको कच्चे केले का सेवन जरूर करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि कब्ज सबसे बड़ी बीमारी है। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिससे आपको 100 बीमारियां होती हैं, लेकिन आज के समय में दिक्कत की बात यह है कि पूरे भारत में तकरीबन 30-40% लोग इस बीमारी से परेशान हैं। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को कब्ज है, क्योंकि हमारा खान पान और रहन सहन गलत है। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको कब्ज होती है, अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो आपको कब्ज होती है। दरअसल दोस्तों जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं, और हमारी आंतें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइजेशन का काम करती हैं। अब अगर आपकी आंतें ही कमजोर हैं तो आपका खाना पेट में पड़ा सड़ता रहता है और ये आपके खून को गंदा करता है, जिससे आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिपेशन ही है जिस कारण से आपको हाई बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है और भी कई बीमारियां होती हैं। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको कब्ज है तो आप कच्चा केला खाकर देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक महीने के अंदर अंदर पुरानी से पुरानी कब्ज कच्चे केले के जरिए दोस्तों ठीक हो जाती है। तो देखो दोस्तों, सिर्फ एक कच्चे केले के जरिए आप किस तरह से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्या आपने कभी पहले सोचा था कि सिर्फ एक बनाना यानी कि केला आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है? हम फलों को खाते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, लेकिन दोस्तों हमें फल खाने चाहिए बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों फलों के अलावा अगर आप कुछ भी खाते हैं तो वह बॉडी के लिए उतना अच्छा हो ही नहीं सकता जितने अच्छे बॉडी के लिए फल हैं। आप जो भी फल खा सकते हैं उसे खाएं। अगर आपको लगता है आपको आम खाना पसंद है तो आम खा लीजिए, अगर आपको गुआवा पसंद है तो आप वो ले सकते हैं, सेब पसंद है तो सेब खाइए। कहने का मतलब है जो भी फल खाइए एटलीस्ट दिन में थोड़े से फल जरूर खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी को फायदा करेंगे और आपको बीमारियों से बचाकर रखेंगे। नहीं तो दोस्तों जो आप पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा डॉक्टर की फीस पर और दवाइयों पर खर्च हो जाएगा। थोड़ा पैसा अपना फलों पर भी लगाएं और जरूर अपने परिवार को फल खाने की आदत डालें। आप एक चीज करें, अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो 1 बार के खाने को फलों से रिप्लेस कर दीजिए, दूसरी बार के खाने को आप सैलेड से रिप्लेस कर दीजिए और दिन में 1 बार खाना खाइए। एक बार आप 1 महीना ऐसा करके देखिए, आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा। आप दोबारा हमारी इस वीडियो के ऊपर आके हमें कमेंट करेंगे कि आपने हमें बहुत बढ़िया चीज बताई है कि हर इंसान को कम से कम 50% चीजें तो दिन में कच्ची खानी चाहिए। यानी कि अगर आप दिन में 2 मील ले रहे हैं तो 1 मील आपको कच्चा खाना चाहिए और दूसरा आप पका हुआ खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से पका हुआ खाना खाने की आदत पड़ चुकी है। जब तक हम अनाज नहीं खाते,
हमारी बॉडी को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि दोस्तों हमें आदत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप फल खाते हैं तो वो 2 से 3 घंटे में पच जाते हैं, वहीं अगर आप अनाज खाते हैं तो उसे पचने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे अनाज भी होते हैं जिसे पचने में 16 से 20 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप फल खा सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता और आप स्वस्थ रह सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने जाना कि कच्चे केले के जरिए कैसे इंसान स्वस्थ रह सकता है और कच्चे केले के फायदे क्या हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऐसी वीडियोस को दोस्तों आप दूसरों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें और हमेशा स्वस्थ रह सकें। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। ऐसी वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।